जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हो दोस्तों आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आपके इष्ट की, आपके आराध्य की कृपा आप पर सदैव और सदैव बनी रहे, यही मंगल कामना करती हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आज सभी जानते हैं कि आज है शरद पूर्णिमा। आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो भगवान चंद्र हैं वो थोड़ा कला संपन्न होकर वो जो अपने प्रकाश से धरती पर अमृत बरसाते हैं वो अपने 16 कला से संपन्न होकर आज सभी को आशीर्वाद देते हैं। आज के दिन भगवान चंद्र की पूजा आराधना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये पूरे साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है दोस्तों। और आज के दिन ये भी माना जाता है कि जो माँ लक्ष्मी है वो आज के दिन ही समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई थी, और आज वह भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी के चक्कर लगाती हैं और अपने जो भक्त हैं उनको कृतार्थ करती हैं दोस्तों। आज के दिन अगर एक बार भी माँ लक्ष्मी की दृष्टि आप पर पड़ जाती है तो आप इतने धनवान हो जाते हैं, आपका जीवन इतनी सुख समृद्धि से भर जाता है जिसकी आप कामना भी नहीं कर सकते। आज के दिन जो है माता तुलसी की पूजा करना भी अत्यंत अत्यंत शुभ माना जाता है दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि माँ तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी का अधिकार प्राप्त हुआ है, और आज के दिन जो है अगर आप तुलसी की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु अत्यंत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं दोस्तों। शरद पूर्णिमा की तिथि पर रवि योग का निर्माण भी हो रहा है दोस्तों। इस योग को चंद्रदेव की पूजा करने से साधक को आरोग्य और जीवन का वरदान प्राप्त हो जाता है दोस्तों। साथ ही सभी प्रकार के मानसिक कष्टों से शीघ्र अति उसको मुक्ति मिल जाती है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु की भक्ति भाव से पूजा करने से सभी प्रकार की दुख दीपताएँ दूर हो जाती हैं दोस्तों। जो शरद पूर्णिमा है वो अश्विन महीने में मनाई जाती है, ये हम सभी जानते हैं। इस दिन चंद्र भगवान की जो पूजा है वो विशेष कर बहुत ज़्यादा फल प्रदान करने वाली मानी जाती है। चंद्रदेव की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति तो होती ही होती है, और साथ ही साथ हमारी सभी प्रकार की जो हैं वो जो हमारी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। फिर चाहे वो इच्छा किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, वो चाहे धन से रिलेटेड हो, चाहे परिवार से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी हमारी किसी भी प्रकार की जो इच्छा है, जो अधूरी है, जो नहीं पूर्ण हो रही है, वो आज के दिन अगर आप माँ तुलसी की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वह निश्चित ही पूर्ण होती है। इस दिन गंगा में स्नान करना, नदियों में स्नान करना बहुत ही ज़्यादा पवित्र और जो पुण्य फल देने वाला माना जाता है। आज के दिन जो नदियों में स्नान जरूर करना चाहिए दोस्तों, चाहे वो नदी कोई भी क्यों ना हो, अगर हो सके तो आप अगर गंगा नदी में स्नान कर सकें तो वो अति उत्तम रहता है। आज के दिन बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की पूजा करने से भी साधकों को बहुत सी सिद्धियाँ और मनोकामनाएँ प्राप्त हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं आज के दिन। साथ ही जीवन में साथ ही साथ उसको खुशियाँ भी मिलती हैं, उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएँ ईश्वर खुद स्वयं पूर्ण करते हैं। शरद पूर्णिमा की तिथि पर मन के कारक चंद्रदेव की पूजा उपासना की जाती है, ये हम सभी जानते हैं। इस दिन साधक अगर श्रद्धा से पूर्णिमा का व्रत करे या भगवान विष्णु की पूजा उपासना करे तो उसे वो सब कुछ प्राप्त होता है जो उसने कभी जीवन में भी सोचा नहीं होता है। उसके सभी मनवांछित फल की प्राप्ति वह इस एक व्रत से कर लेता है। इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए, और साथ ही साथ माँ तुलसी की भी पूजा ज़रूर करनी चाहिए दोस्तों। वैदिक पंचांग के अनुसार आज यानी कि 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। 16 अक्टूबर को रात 8:40 पर अश्विन पूर्णिमा की शुरुआत हो जाएगी। वहीं 7 अक्टूबर को 4:55 तक अश्विन पूर्णिमा का समापन होगा दोस्तों। इसके बाद कार्तिक माह की प्रतिप्रदा तथा की शुरुआत जो है वो हो जाएगी।
16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मनाई जा रही है दोस्तों। इस दिन आप व्रत जरूर रखें, अगर व्रत ना रखें तो आपको कथा अवश्य सुननी चाहिए। सनातन शास्त्रों के अनुसार प्राचीन समय में एक व्यापारी की दो बेटियां थी दोस्तों, दोनों धार्मिक प्रवृत्ति की थी, धर्म कर्म में विशेष रुचि रखती थी, नित्य प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा भी करती थी, साथ ही पूर्णिमा का वह व्रत भी करती थी दोस्तों। भगवान विष्णु की कृपा से दोनों का विवाह उच्च परिवार में हुआ था। इसके पश्चात भी दोनों पूर्णिमा का व्रत रखती ही रहती थी दोस्तों। हालांकि जो छोटी बहन है वो पूरा व्रत रखने के बाद भी व्रत को पूर्ण नहीं कर पाती थी दोस्तों, इसके लिए संध्या के समय भोजन कर लेती थी। इसके चलते व्रत का पुण्य फल उसको कभी भी प्राप्त नहीं होता था। वही बड़ी बेटी को व्रत के पुण्य प्राप्त से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद लगातार पूर्णिमा का व्रत करने से छोटी बेटी को भी संतान की प्राप्ति हुई थी। हालांकि संतान उसकी दीर्घायु नहीं होती थी दोस्तों। एक बार की बात है, जब छोटी बेटी संतान को शोक में जो डूब कर वो रो रही थी, बैठी हुई थी, तब उसकी बड़ी बहन आई। उस समय वह पुत्र को खोने का संताप कर रही थी। उसी क्षण बड़ी बहन के वस्त्र के छूने से छोटी बहन का जो पुत्र है वो जीवित उठा। यह देखकर छोटी बहन बहुत ही प्रसन्न हो गई और रो रोकर अपनी बहन के चरणों में गिर गई, खुशी से रोने लगी। तब बड़ी बहन ने पूर्णिमा जो व्रत है उसकी उसको महिमा बताई। उस समय से ही छोटी बहन ने विधि पूर्वक जो है पूर्णिमा का व्रत वो पूर्ण करने का संकल्प लिया, साथ ही अन्य लोगों को भी व्रत करने की सलाह दी। तभी से लेकर आज तक पूर्णिमा तिथि का व्रत जो है वो बहुत ही उत्तम और पवनकारी माना जाता है। शरद पूर्णिमा व्रत करने से कुंडली में चंद्र अत्यंत मजबूत हो जाते हैं। कुंडली में चंद्र मजबूत होने से जातक को हर कार्य में सफलता मिलती है दोस्तों। हम सभी जानते हैं जिसके चंद्र मजबूत होते हैं उसका मन सदैव उसके कंट्रोल में रहता है, उसकी इच्छा पर ही चलता है, वह कभी भी मन का गुलाम नहीं बनता, मन ही उसका गुलाम हो जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम एक और जो पौराणिक कथा है, अब वो हम सुनेंगे दोस्तों। ये कथा सुनना बहुत ही उत्तम और फलदायक माना जाता है। शरद पूर्णिमा का त्यौहार माँ लक्ष्मी के प्राकट्य उत्सव में भी मनाया जाता है दोस्तों। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है और उनको दूध व मक्खन से बनी खीर का भोग भी अर्पित किया जाता है। चंद्रमा की रोशनी में इस खीर को रखने के बाद प्रसाद के रूप में सुबह ग्रहण किया जाता है। शरद पूर्णिमा का व्रत रखने वालों के लिए माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव की कथा का पाठ करना बहुत ही अवश्य और ज़रूरी होता है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा का विस्तार दोस्तों। जय माँ लक्ष्मी, शरद पूर्णिमा का व्रत आज रखा जा रहा है और आज माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाएगी दोस्तों। मान्यता है कि अश्विन मास की पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है, ये हम सभी जानते हैं। और इस दिन माँ लक्ष्मी का जो प्रादुर्भाव हुआ था, लोग इस दिन माँ लक्ष्मी का व्रत करते हैं और बहुत ही श्रद्धा भाव भक्ति से उनकी पूजा करते हैं। उनके उत्पन्न होने की खुशी से बहुत से उत्सव मनाए जाते हैं दोस्तों। तभी आज के दिन का व्रत बहुत ही ज़्यादा पुण्य प्राप्ति का व्रत माना जाता है और साथ ही साथ लोग आज के दिन कथा भी सुनते हैं जो व्रत नहीं रख सकते। चलिए दोस्तों, अब हम श्रवण करते हैं आज की जो पौराणिक माँ लक्ष्मी की कथा है। भीष्म जी ने कहा, मुनि मैंने तो
सुना था कि लक्ष्मी जी शिव समुद्र से प्रकट हुई हैं, फिर आपने यह कैसे कहा कि वह भृगु की पत्नी के गर्भ से प्रकट हुई थी? पुलस्त्य ऋषि जी बोले, राजन तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुनो। लक्ष्मी जी का जन्म से संबंधित केवल और केवल समुद्र है। उनका जन्म जो है वो समुद्र से ही हुआ था, यह बात मैंने भी ब्रह्मा जी के मुख से सुन रखी है। एक समय की बात है, दैत्यों और दानवों ने बड़ी भारी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई कर दी। उस युद्ध में दैत्यों के सामने देवता बहुत असहाय हो गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को साक्षी मानकर आगे जाकर वह ब्रह्मा जी की शरण में जाकर उनके आगे आराधना व प्रार्थना करने लगे और अपना सभी दुख कह डाला। तभी ब्रह्मा जी ने वहाँ प्रकट होकर कहा कि तुम लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। यह कहकर वह संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर की तरफ चल पड़े। उत्तर तट पर गए और उन्होंने भगवान वासुदेव को संबोधित कर बोले कि हे विष्णु, शीघ्र उठिए और इन देवताओं का आप कल्याण कीजिए। आपकी सहायता ना मिलने से दानव इन्हें बारंबार प्रताड़ित कर रहे हैं। उनका ऐसा अनुरोध सुनने के बाद वह कमल पर विराजमान होकर बैठे हुए थे और उनके नेत्र जो थे वह बंद थे। वह भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम ने देवताओं के शरीर को अपूर्व अवस्था देखकर कहा कि हे देवगण, मैंने तुम्हारे तेज की वृद्धि करुणा रूप में की है। मैंने जो उपाय बतलाऊंगा उसे तुम ध्यान से सुनो। उससे तुम लोग जो करोगे तो दैत्यों से निश्चित ही छुटकारा हो जाएगा। दैत्यों के साथ मिलकर सभी प्रकार की औषधियों को लेकर और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मंद्याचल की मंथनी और वासुकी नाग को नेति रस्सी बनाकर समुद्र का तुम मंथन करो। ऐसा करते करते उसमें से जो अमृत निकलेगा वह तुम दोनों आपस में बांट लो। इस कार्य में तुम दोनों पक्षों की सहायता अवश्य होनी चाहिए। दोनों की वैश्यता के बिना यह कार्य सिद्ध नहीं होगा। समुद्र का मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करके तुम लोग बलवान और अमीर हो जाओगे। इस तरह भगवान के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता और दैत्यों के साथ सिरदर कर अमृत निकालने के यत्न में लग गए। देव, दानव और दैत्य सभी मिलकर सभी प्रकार की औषधियाँ लेकर उन्होंने क्षीर सागर में डाल दी और मंदराचल की मंथनी एवं वासुकी नाग को रस्सी बनाकर उन्होंने समुद्र का मंथन किया। भगवान विष्णु की प्रेरणा से सभी देवता एक साथ रहकर वासुकी की पूंछ की ओर हो गए और दैत्यों को उन्होंने वासुकी की सिर की ही खड़ी कर दी और वह सिर के उनके सिर के जो पार्ट था वह उन्होंने पकड़कर उसको रस्सी की तरह मथना शुरू कर दिया। इसी तरह धीरे धीरे करते करते समुद्र से बहुत कुछ उत्पन्न होने लगा। क्षीर समुद्र के बीच श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा तथा महातेजस्वी महादेव जी वहाँ कच्छप रूप में श्री विष्णु भगवान की पीठ पर खड़े होकर अपनी भुजाओं से कमल की भांति मंदराचल को पकड़े हुए थे तथा स्वयं भगवान श्री हरि जो थे वह कुर्म रूप धारण कर क्षीर सागर के भीतर देवताओं और जो है असुरों के बीच स्थित थे। वह मंदराचल को अपनी पीठ पर लिए हुए डूबने से बचाते थे। ऐसे ही करते करते जब देवता और दानवों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया था तब
पहले पहले उससे देव पूजिता सुरभय कामधेनु का आविर्भाव हुआ था, जो कि दूध घी दही को उत्पन्न करती थी और पूरे विश्व की गौ माता है। तत्पश्चात वारुणी देवी प्रकट हुई, जिसके मंद भरे नेत्र धूम रहे थे। वह पग पग लड़खड़ाती चल रही थी। उसे अपवित्र मानकर देवताओं ने त्याग दिया। तब वह असुरों के पास जाकर बोली, दानवो, मैं बल प्रदान करने वाली देवी हूँ, तुम मुझे ग्रहण कर लो। दैत्यों ने उसे ग्रहण कर लिया। इसके बाद पुण्य मंथन आरंभ हो गया और वहाँ पर परिजात कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो अपने शोभा से देवताओं को आनंद बढ़ाने वाला था। इसके साथ ही 60 घोड़े अप्सराएं प्रकट हुई, जो देवता और दानवों की सामान्य रूप से भोग्या हैं, जो लोग पुण्य कर्म करने वाले देवलोक में हो जाते हैं, उनको उनका जो है सानिध्य प्राप्त होता है। और जो साधारण लोग भी पुण्य कर्म करके देवलोक को जाते हैं, उनका भी उन पर सामान्य अधिकार होता है। दोस्तों, अप्सराओं के बाद सुनने के बाद उन्होंने अप्सराओं को दानवों ने और देवताओं ने आधा आधा बांट लिया। और उसके बाद शीतल किरणों वाले चंद्रमा का जो प्रादुर्भाव हुआ, जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाले थे, उन्होंने भगवान शंकर को मांगा और भगवान शंकर ने उनको अपने शेष पर धारण कर लिया। उन्हें भगवान शंकर ने तो मांगा ही था, साथ ही चंद्रमा ने भी भगवान शंकर को मांगा था, इसलिए चंद्रमा आज भी भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर सदैव और सदैव के लिए विराजमान हो गए। उसके बाद कालकूट नामक भयंकर विष प्रकट हुआ, उससे देवता और दानव सबको बड़ी पीड़ा हुई। तब महादेव जी ने स्वइच्छा से ही उस विष को लेकर पी लिया। उनके पीने से उनके कंठ में काला दाग पड़ गया। तभी से वह महेश्वर नीलकंठ नाम से कहलाए जाते हैं। क्षीर सागर से निकले हुए उस विष का जो अंश पीने से बच गया था, उसे नागो वह सर्पों ने ग्रहण कर लिया। अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ कमंडल लेकर धन्वंतरी जी वहां प्रकट हो गए दोस्तों, और उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। वैद्यराज के दर्शन से सबका मन स्वस्थ वह प्रसन्न हो उठा। उसके बाद उस समुद्र से वहां घोड़े ऐरावत नाम के हाथी वह प्रकट होने लगे। इसके पश्चात श्री सागर से हमारी माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। उनके प्रादुर्भाव से सभी देवताओं को सुख संपन्नता, ऐश्वर्य, धन संपत्ति और बहुत ही प्यारे प्यारे आभूषणों की प्राप्ति हुई, जो खिले हुए कमल पर बैठी हुई और उस पर विराजमान थी और हाथ में कमल लिए हुई थी। उनकी प्रभा चारों ओर छिटक रही थी। वह अत्यंत करुणामयी और माँ के रूप में दिखाई दे रही थी। उनको देखकर तो देवता क्या असुर भी दंग रह गए और केवल ऐसे देख रहे थे जैसे कोई शिशु अपनी माता को देख रहा हो। उसी समय महर्षियों ने श्री सूक्त का पाठ करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्तवन किया। साराक्ष श्री समुद्र के प्रकट होने से श्री लक्ष्मी जी को एक सुंदर माला भेंट की, जिसके कमल से सुशोभित हुए सुंदर कंठ को सभी देखे जा रहे थे। माँ को उन्होंने कमलों की एक ऐसी माला भेंट की जो कभी ना मुरझाए। विश्वकर्मा ने उनको समस्त अंगों में आभूषण पहना दिए। स्नान कर पश्चात दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके जब वह सभी प्रकार आभूषणों से शोभित हुई, तब इंद्र आदि देवता तथा और सभी देवता उन्हें प्राप्त करने की इच्छा करने लगे।
तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे नारायण वासुदेव, मेरे द्वारा दी हुई इस महालक्ष्मी देवी को आप ही ग्रहण करें, यह आपके लिए ही प्रकट हुई है। मैंने देवताओं और दानवों को मना कर दिया है कि वह इन्हें प्राप्त करने की इच्छा ना करें। वह आपके साथ नहीं, केवल और केवल विष्णु भगवान के साथ ही सुशोचित होंगी। आपने जो स्थिरता पूर्वक इस समुद्र मंथन के कार्य को संपन्न किया है, इससे पर ब्रह्म और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ये कहकर ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी से बोले, हे देवी आदिशक्ति, तुम भगवान केशव के पास ही जाओ। मेरे दिए हुए इस पति को पाकर आप अत्यंत प्रसन्न होंगी और अनंत वर्षों तक आनंद का उपभोग करेंगी। आप केवल और केवल उनकी ही अर्धांगिनी बनने के योग्य हैं। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर लक्ष्मी जी समस्त देवताओं को देखते हुए, समस्त जो लोग हैं उनको देखते हुए श्री हरि के वृक्ष स्थल में जाकर विराजमान हो गई और भगवान से बोली कि हे देव, आप कभी मेरा प्रत्याग ना करिएगा। संपूर्ण जगत के हे प्रियतम, मैं सदा आपके आदेश का पालन करती रहूँगी, आपके वृक्ष स्थल में निवास करूँगी। यह कहकर लक्ष्मी जी ने कृपापूर्वक दृष्टि से देवताओं और असुरों की तरफ देखा। इससे उन सभी को बहुत ही प्रसन्नता प्राप्त हुई। इधर लक्ष्मी से प्रयत्न होने पर देवताओं दैत्यों में सभी धन से संपन्न हो गए, लेकिन दैत्यों के मन में थोड़ी सी ईर्ष्या भी प्रकट हुई। उन्होंने झटपट जो धनवंतरी प्रकट हुए थे उनके जो हाथ से अमृत कलश को छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने माया से सुंदर स्त्री का रूप धारण करके दैत्यों को लुभाया और उनके निकट जाकर कहा कि यह अमृत का कमंडल मुझे दे दो। उससे त्रिभुवन सुंदरी स्वरूपा नारी को देखकर दैत्यों का चित्त काम से वशीभूत हो गया। उन्होंने चुपचाप वह अमृत उस सुंदरी के हाथ में थमा दिया और स्वयं का सभी प्रकार से वह उनका मुंह ताकने लगे। दानवों से अमृत लेकर भगवान ने देवताओं को दे दिया और इंद्र आदि देवता तत्काल उस अमृत का पान करने लगे। यह देखकर दैत्यगण भांति भांति के अस्त्र शस्त्र वह तलवार हाथ में लेकर देवताओं पर टूट पड़े, परंतु देवता अमृत पीकर बलवान हो चुके थे। उन्होंने दैत्य सेना को परास्त कर दिया। देवताओं की मार पड़ने पर दैत्यों ने भागकर चारों दिशाओं की शरण ले ली और कितने ही पाताल में घुस गए और छुप छुप कर रहने लगे। तब संपूर्ण देवता आनंद में मन से शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु को प्रणाम करके, माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके और ब्रह्म देवता पर ब्रह्मेश्वर को प्रणाम करके स्वर्गलोक को चले गए। तब से सूर्य देव भी अपनी प्रभा व स्वेच्छा से अपने मार्ग में चलने लगे। भगवान अग्निदेव भी मनोहर दीप्त के युक्त प्रज्वलित होकर सारे सृष्टि को अपना उजाला देने लगे तथा सभी प्राणियों का कल्याण करने लगे। सभी प्राणियों का मन धर्म से संलग्न हो गया और सभी प्राणी खुशी खुशी से रहने लगे। भगवान विष्णु से सुरक्षित होकर समस्त त्रिलोकों में श्री संपन्नता हो गई। उस समय समस्त लोगों को धारण करने वाले ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि देवगण, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के साथ जो हैं भगवान शिव को उत्पन्न किया है। मैं भी उस पर ब्रह्म ईश्वर की ही एक शक्ति हूँ। इन सभी देवताओं की आप उपासना करें, यही आपका कल्याण करेंगे। वह
आपके कल्याण के साथ साथ आपको समृद्धशाली भी बनाएंगे। तुम सदा उनकी उपासना करना और उनसे कल्याण मांगना। उनकी उपासना से सभी प्रकार के मनोरथ जो हैं वो पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा और पूरे इस विश्व का कल्याण उन्हीं के हाथों में है। उपासना करने से यह दोनों और परब्रह्म और मैं स्वयं बहुत प्रसन्न होता हूँ। यह कहकर भगवान अपने धाम को चले गए। उनके जाने के बाद इंद्र ने देवलोक की राह ले ली। उसके बाद श्री हरि और शंकर जी भी अपने अपने धाम वैकुंठ और कैलाश निवास में पहुंच गए। इसके बाद देवराज इंद्र तीनों लोकों का रक्षक बन गया और शासन करने लगा। महाभाग इस प्रकार श्री महालक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ अपनी अपार कृपा के साथ सभी पृथ्वी पर पूजनीय हो गई और वही आज धन की महालक्ष्मी कहलाती हैं। वह क्षीर सागर से प्रकट हुई और आज वह पूरे विश्व की माता हैं। दोस्तों, आज के दिन जो व्रत ना भी रख के इस कथा का श्रवण करते हैं उनको अश्वमेघ यज्ञ जितना पुण्य प्राप्त हो जाता है, उनको व्रत रखने जितना ही पुण्य प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, आज के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। यह कथा बहुत ही मंगलकारी और उत्तम फल प्रदान करने वाली कथा कही गई है। चलिए दोस्तों, आज के दिन आप भगवान विष्णु, माँ तुलसी और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना सच्चे मन से अवश्य करें। ईश्वर आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं हैं जो वो अवश्य पूर्ण करेंगे। दोस्तों, चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय माँ लक्ष्मी, जय प्रभु नारायण विष्णु हरि, जय माँ तुलसी।